ये देखो, तो आपने देखा ये ज्यादा ट्रैवल किया ना, क्योंकि इसमें जो है, इस केस में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम एग्जिस्ट। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 9.7। क्वेश्चन के स्टेटमेंट आप यहां देख सकते हो और इसके लिए जो सपोर्टिंग फिगर होगा उसे आप यहां देख लो। बात करें अगर प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं हेल्प लूंगा इसका। इसे हम किसी कार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने यहां फिगर में देखा। तो इसमें भी व्हील लगी हुई है, तो इसके हेल्प से इजीली मैं चीजों को समझा पाऊंगा। तो चलिए समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आप चाहो तो स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो, बट अगर नहीं भी पढ़ोगे तो बातें आपको समझ में आ जाने वाली है। तो एज पर दिस क्वेश्चन, एक कार्ट होता है जिसके नीचे व्हील लगी हुई है, तो देखो इसमें भी व्हील लगी हुई है, राइट। और एक और कंडीशन दी हुई है कि इसमें जो है फ्रिक्शन लेस व्हील लगी है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन लेस व्हील बना लो, बट हाँ हम ऐसा मान करके काम कर रहे हैं क्योंकि इसका रोल भी है। अब देखो इस चीज को पहले मैं समझा देता हूं फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या है। देखो यहां मेरे पास दो दो कार है, या कार्ट भी आप इसे बोल सकते हो, जो कुछ भी बोलो, ठीक है। दोनों में व्हील लगी हुई है आप जैसा कि देख सकते हो, लेकिन जानते हो इसके पास जो व्हील है ना, इसमें फ्रिक्शन काफी कम एग्जिस्ट करता है इस केस में, और यहां अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन यहां कहीं ना कहीं ज्यादा लगता है। तो देखो मैं करके शो करता हूं, लेकिन हाँ ऐसे करूंगा तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं हो सकता कि एक बार ज्यादा जोर से मार दूं और दूसरी बार कम फोर्स दूं, तो ये हो सकता है। तो इसको बेहतर समझाने के लिए अब देखो मैं क्या करता हूं, सिंपल है। इसको देखो मैं कोशिश करता हूं कि सेम टाइम पे इसको हिट करूं, और देखना कि ये वाला जो कार है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस चीज को आप खुद ही ऑब्जर्व कर लोगे। देखो मैं कोशिश करता हूं, देखा आपने, तो ये ज्यादा ट्रैवल किया। एक दोबारा और करके शो कर देता हूं, ये देखो मैं कोशिश करता हूं, पहले तो इक्वल ले आता हूं दोनों को, ठीक है। अब देखो मैं इसको, इसमें फोर्स अप्लाई करता हूं, ध्यान देना मैं एक सेम ही टाइम पे दोनों को फोर्स दूंगा। ये देखो, ये देखो, तो आपने देखा ये ज्यादा ट्रैवल किया ना, क्योंकि इसमें जो है, इस केस में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम एग्जिस्ट करता है। ये बेहतर क्वालिटी का इसमें व्हील लगा हुआ है, और उसके तुलना में ये थोड़ी सी इसकी जो क्वालिटी है ये डाउन है। खैर जो भी हो, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझा दिया ताकि आपकी जो अप्रोच हो वो थोड़ी बेहतर हो। अब समझिए आगे क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि ये कार्ट है, यानी कि नीचे मूविंग व्हील लगी हुई है, और ये रेस्ट में है। इसकी मास गिवन है व्हिच इज 3 kg, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। इसकी मास 3 kg, ये तो काफी आसानी से, तीन चार चीज तो ही याद रखना है, 3 kg इसकी मास है, राइट। और ये रुकी हुई है, यानी कि वेलोसिटी इसकी कितनी, ऑब्वियसली 0 होगी। अब दूसरी तरफ क्या है कि एक लड़की होती है और उसकी वेलोसिटी होती है 5 m/s की, और उस वेलोसिटी के साथ वो लड़की यहां आकर के सीधा इसमें जंप कर जाती है। एज यू नो वेरी वेल, जैसे ही ये इसके ऊपर जंप करेगी तो क्या होगा, दोनों ये ट्रैवल करना शुरू कर देगी। आप इमेजिन करो कि ये कोई बॉडी है, अगर मैं इसको थ्रो करूं और यहां आकर के ये चिपक जाए तो क्या होगा, ये बिल्कुल रेस्ट में नहीं रहेगा। जैसे ही ये आकर के इसमें चिपकेगा, ये आगे की ओर ट्रैवल करना शुरू कर देगा। और अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, अगर यहां कोई भी फ्रिक्शन एक्सिस्ट नहीं करता है, तो फिर ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखना मैं इसको इसके ऊपर फेंकूंगा, नो डाउट ये चिपक तो नहीं पाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, बट इवेंट को आप समझने की कोशिश करो। ये देखो मैंने इसको फेंका, तो देखो ये ट्रैवल किया आगे की ओर, तो यहां बहुत सारे और भी फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा सिचुएशन बदल जा रहा है। खैर जो भी हो, मुझे लगता है बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब चीजों को और ज्यादा कंटिन्यू करते हैं। तो इस लड़की की वेलोसिटी कितनी है, 5 m/s की है, तो इस वेलोसिटी के साथ ये इस पे जंप कर जाती है, और इस लड़की की जो मास होती है वो खुद होती है 40 kg की। तो 40 kg उस लड़की की मास हो गई, 3 kg इसकी मास हो गई, ये रुकी हुई थी इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और जो लड़की है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 m/s की है। तो अब आपसे आगे ये पूछा जा रहा है कि जैसे ही ये लड़की इसके ऊपर कूदेगी, यानी कि जंप करेगी, तो उसके बाद ये जो सिस्टम है, सिस्टम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों तो अब एक हो गया होगा ना, तो ये दोनों मिलकर के किस वेलोसिटी के साथ आगे ट्रैवल करेगा। सिस्टम को एक बार फिर से समझ लीजिए, ये कार्ट है, ये लड़की है, लड़की ट्रैवल करती है और 5 m/s के वेलोसिटी के साथ वो इस पे जंप कर जाती है, और जैसे ही जंप करेगी, तो मैं चीजों को थोड़ा एक्शन के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो दौड़ते हुए ये जंप कर जाती है, जंप करने के बाद ये दोनों ट्रैवल करना शुरू कर देगी, जैसा कि आपने यहां फिगर में भी देखा, राइट ना। तो अब जंप करने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो फिर से यहां एक बार हम यूज कर लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर जो भी होगा और टोटल मोमेंटम आफ्टर वाला केस जो होगा, यानी कि यहां इंटरेक्शन वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। तो जब ये कार्ट और लड़की के बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ था तो उस समय की मोमेंटम, जिसे हम बोलेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर द इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन से पहले वो जो मोमेंटम रहा होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन, यानी कि जब वो इसके ऊपर कूद गई होगी, तो ये वाला मोमेंटम और कूदने से पहले वाला मोमेंटम, ठीक है, जंप करने से पहले वाला मोमेंटम, यानी कि जंप से मेरा मतलब है जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं किया था, तो उस समय वाला मोमेंटम और इंटरेक्शन के बाद वाला मोमेंटम ये कॉन्स्टेंट होगा, राइट ना, यानी कि इक्वल होगा, दोनों सेम होगा मोमेंटम। तो यहां भी हम लॉ को यूज कर रहे हैं, कौन सी लॉ को, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो आई होप क्वेश्चन बेहतर तरीके से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो देखो मैंने यहां क्या लिखा, टोटल मोमेंटम बिफोर द इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये जंप की और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने से पहले इस सिस्टम का कितना मोमेंटम रहा होगा, और इस सिस्टम में फिलहाल सिर्फ दो बॉडी है, ठीक है, और एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस वगैरह है उसे आप इग्नोर करोगे, इवन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आगे एग्जिस्ट करेगा उसे भी इग्नोर करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो खैर जो भी हो, तो टोटल मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो मैं यहां लिख देता हूं। तो मैं नाम देता हूं पी वन, पी फॉर मोमेंटम, और वन का मतलब बिफोर वाला, इसको मैं ले रहा हूं तो 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो P1 कितना हो जाएगा, मास ऑफ द गर्ल इनटू वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल हम लिख सकते हैं, प्लस मास ऑफ द कार्ट, और इनटू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, यू नो वेरी वेल उस लड़की की जो मास है वो 40 केजी है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की है, एट द सेम टाइम जो कार्ट की मास है वो 3 केजी है, ये कार्ट, इसकी मास 3 केजी है, और इसकी वेलोसिटी क्योंकि ये रुकी हुई है तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इस केस में ये, इसका तो कोई रोल रहा नहीं, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो आपको दे देगा 200, और मोमेंटम की SI यूनिट आप सबको मालूम होना चाहिए, जिसको नहीं मालूम है जल्दी नोट कर लीजिए, केजी मीटर पर सेकंड होती है। तो केस वन में, यानी कि बिफोर इंटरेक्शन वाला जो केस था, उस केस में टोटल मोमेंटम 200 केजी मीटर पर सेकंड का है, राइट ना। अब बात करेंगे सेकंड केस की। तो देखो ये मैंने सेकंड केस के लिए बनाया, यहां मैंने लिखा टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन, यानी कि जब वो लड़की इसके ऊपर जंप कर गई होगी तो उसके बाद हालात क्या हुए होंगे, बात उसकी करेंगे अब हम। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन फिर से वही होगा, मास ऑफ द सिस्टम, जितने भी बॉडीज हैं वहां सबके इंडिविजुअली मास लेंगे और सबके वेलोसिटी का हम प्रोडक्ट लेंगे। तो फिलहाल इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं P2 से, यानी कि टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन क्या आप इस चीज को मानोगे, जब ये इसके ऊपर जंप कर गई होगी तो हम इस बॉडी को दो क्यों माने, हम तो एक भी कंसीडर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो इसके साथ एक तरह से अटैच हो गई है और अब दोनों एक साथ ही ट्रैवल कर रही है ना, तो हम इन दोनों को मिला करके एक बॉडी मान लेते हैं और दोनों का मास लिख लेते हैं, और वेलोसिटी तो कॉमन ही होगा दोनों का, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मास के बदले बस मैं लिख लूंगा 40 + 3, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल लिख देता हूं, तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गर्ल प्लस मास ऑफ द कार्ट, और वेलोसिटी को मैं सिंपली v से रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि ये कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा दोनों का, ठीक है, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट करो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये फाइनल है, तो v लिखोगे तो थोड़ा बेहतर माना जाएगा इसे। तो बताइए मास ऑफ गर्ल कितनी है, 40, और मास ऑफ कार्ट कितनी, 3, तो 43 हो जाएगा ये, और v तो हमें फाइंड करना है, राइट ना, तो 43 भी मैंने लिख लिया। तो यहां आप देख सकते हो ये फर्स्ट केस यानी कि बिफोर इंटरेक्शन वाला केस, और ये सेकंड यानी कि इंटरेक्शन के बाद वाला केस है। तो नाउ यू नो वेरी वेल एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन। और यहां सिस्टम आइसोलेट है, एक्सटर्नल कोई भी फोर्सेस में नहीं लग रहा है, इवन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। तो चलिए एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, तो P1 मस्ट बी इक्वल टू P2, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 43 भी इज इक्वल टू 200, राइट ना। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 43, और जब इसे आप डिवाइड करोगे तो सिंपली आपको ये दे देगा पॉजिटिव में 4.65 मीटर पर सेकेंड। यहां पॉजिटिव सिंबल लिखना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा इस पॉजिटिव सिंबल को, क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव साइन है ना ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है,
कि देखिए ये जो लड़की थी इसकी कुछ वेलोसिटी थी जो खुद दी हुई है 5 की, ये वेलोसिटी दी हुई है इस लड़की की, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी तो कुछ होगी ना। तो मान लो ये इस तरफ जा रहा है, कुछ भी डायरेक्शन आप मेंशन कर दो, ठीक है, राइट बोलो, लेफ्ट बोलो, अप डाउन कुछ भी बोलो, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी आप बोल दो। तो जिस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है लड़की, ये इंटरेक्शन के बाद भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अभी ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये इसके ऊपर जंप करेगी और ये जा रही थी इस तरफ और इंटरेक्शन के बाद ये ट्रैवल करना शुरू कर दी इस तरफ या फिर इस तरह से ट्रैवल करना शुरू कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो डायरेक्शन है लड़की की, डायरेक्शन को हमने क्या लिया था, पॉजिटिव 5 इनफैक्ट लिया था, ठीक है, पॉजिटिव यहां लिखा नहीं गया है लेकिन पॉजिटिव 5 लिया गया था और ये वैल्यू भी पॉजिटिव में आया, तो ऑब्वियसली दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये लड़की ट्रैवल कर रही थी उसी डायरेक्शन में इंटरेक्शन के बाद भी ये दोनों सिस्टम ट्रैवल करेगी, राइट ना। और जैसा कि आपने पहले वाले एग्जांपल में देखा, यानी कि 9.6 जो एग्जांपल नंबर था वहां सिचुएशन अलग था, जो रिकॉइलिंग ऑफ गन वाला एग्जांपल था, तो बुलेट आगे की ओर गया और गन पीछे की ओर जर्क किया था। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।